हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम आपको एक नई सीरीज में पढ़ाएंगे और मैं एनसीईआरटी के लाइंस को प्रॉपरली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हम ज़्यादातर आजकल बात करते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए, हालांकि मैं इस लाइन में करेक्शन चाहता हूं। एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग बाई दिस सीरीज कि मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाऊँ जो बच्चे एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हैं लेकिन उसे याद करने की कोशिश करते हैं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज मैं आपके सामने जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 4 एंड इट इज एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को आप चाहें तो किंगडम एनिमेलिया भी कह सकते हैं, इसलिए कई जगह पर ये किंगडम एनिमेलिया के नाम से भी आपको मिलेगा। बात वही है, जैसे प्लांट्स किंगडम है तो उसे हम प्लांटी के नाम से भी जानते हैं। अब पहली बात आती है, व्हेन वी लुक अराउंड, यानी जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व, आपको दिखेगा क्या, द डिफरेंट एनिमल, यानी आप बहुत अलग अलग तरह के एनिमल देखते हैं। शायद हम उनमें से कुछ को पहचान जाते हैं और कुछ को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो डिफरेंट एनिमल है उनमें डिफरेंस किस बात का है, देयर आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म, उनका शेप अलग अलग है। जैसे हम लोग तुलना करें इंसान की अन्य जानवर से, गाय भैंस बकरी कीड़े मकोड़े, तो हम सब में देखिए कुछ चीजें कॉमन है, वे खाते हम भी हैं, खाते वो भी हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो तो सेम है, लेकिन हमारा ढांचा थोड़ा अंतर है। तो ऐसे अ मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल डेट। अ मिलियन मींस 10 लाख, 10 लाख या इवन उससे ज्यादा भी स्पीसीज हमने आज तक डिस्क्राइब कर ली है। तो जाहिर बात है, अब इतने सारे जानवर हैं हमारे पास, तो अब हम उन सबको कैसे पढ़ें, तो दैट्स अ नीड ऑफ इन क्लासिफिकेशन, हमें इनकी जरूरत पड़ रही है कि हम उनका क्लासिफिकेशन करें। तो जाहिर बात है, क्लासिफिकेशन करने से क्या होगा ना, चीजें आसान हो जाएंगी, उसी को हम कहते हैं वर्गीकरण। लेकिन इस चैप्टर में हम किंगडम एनिमलिया जो पढ़ रहे हैं, जाहिर बात है ये एक क्लासिफिकेशन के सीरीज में ही पढ़ रहे हैं। तो अब बात आती है, हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो हमारे लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहली बात आती है कि पहले हम जानें कि क्लासिफिकेशन का हमारे पास बेसिक आधार क्या है। तो हमारे पास जो पहली टॉपिक दिया जा रहा है, दैट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन का आधार है क्या। तो इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर द फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू द वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ द सिलोम, पैटर्न ऑफ द डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी रिस्पेक्टिव सिस्टम। जाहिर बात है, जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में या अन्य बहुत सारे फॉर्म में, लेकिन फिर भी हमारे जो फंडामेंटल फीचर यानी जो बेसिक फीचर है एक जिंदा रहने के लिए, वो कॉमन है डिफरेंट एनिमल्स में। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, हाँ अलग बात है कुछ एनिमल हैं सर दैट रिप्रेजेंट द क्लस्टर ऑफ सेल्स, थिंक अबाउट द पोरीफेरा। सिमेट्री को लेकर देखें आप, तो कुछ एनिमल्स में किसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, किसी में रेडियल सिमेट्री है, नेचर ऑफ सिलोम, यानी ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं जिनको बेसिकली अगर देखा जाए उनके फंडामेंटल फीचर्स तो वो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो जो हमारे में सिमिलरिटीज या कुछ डिफरेंसेस है किसी पॉइंट को लेकर, सर वही हमारे क्लासिफिकेशन का आधार है। जैसे मान लीजिए हमें क्लास में जो बच्चे हैं हमारे पास, उनको क्लासिफाई करना हो, तो हमने देखा सब बच्चों की हाइट तो है, तो हमने सोचा कि सर इस हाइट के आधार पे ही क्लासिफाई कर देते हैं। तो फिर एक डेफिनेट हाइट तक एक ग्रुप बनाया, फिर थोड़ा सा और डिफरेंट हाइट हुई तो और ग्रुप, या हमने कलर लिया, इंटेलिजेंस लिया। तो जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका हमेशा कोई ना कोई बेस होना चाहिए, कोई ना कोई आधार होना चाहिए, यही इस टॉपिक की बात कही जा रही है, द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो हमारे पास बेस क्लासिफिकेशन की बात की जा रही है, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार के है ग्रुप। अब जैसे
बात करें हम, बहुत सारे जानवर सिर्फ एक ही सेल के बने हैं। तो आपने इससे पहले किंगडम एनिमलिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पढ़े थे। जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो यूनिसेलुलर को हमने दो हिस्सों में बांट दिया था। एक कहलाए थे मोनेरा, आपको ध्यान होगा फाइव पॉइंट क्लासिफिकेशन में, और दूसरे कहलाए थे प्रोटेस्टा। हालांकि ये दोनों किंगडम एनिमलिया के मेंबर नहीं है, लेकिन जो मोनेरा ग्रुप हुआ करता था ये ऐसा ग्रुप था जो हमारी सेल्स होती थी, एक ही सेल तो होती थी, लेकिन दैट वाज प्रोकैरियोट। और जो हमारा प्रोटेस्टा था एंड दैट वाज यूकैरियोट, ये यूकैरियोट से यानी यूकैरियोटिक सेल से बना था। तो यूनिसेलर हमारे पास दो ही ग्रुप थे, लेकिन आज हम जब उसके आगे बढ़ते हैं, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये तीन किंगडम और हैं, ये तीनों मल्टीसेलर हैं। तो हम इस किंगडम एनिमलिया में जो बात करेंगे वो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को लेकर बात करेंगे, यानी इस जगह जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ मल्टीसेलरिटी की बात करेंगे। अब मल्टीसेलरिटी में कुछ सेल्स हैं हमारे पास, जाहिर है एक से ज्यादा हैं, उन्हीं का अरेंजमेंट हमें देखना है। यस, दो ऑल मेंबर ऑफ द एनिमलिया आर मल्टीसेलर, ये बात बड़ी आसान सी है कि किंगडम एनिमलिया में वो सारे मेंबर मल्टीसेलर हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिस्ट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हैं भाई जाहिर बात है मल्टीसेलर हैं तो एक से ज्यादा सेल्स हैं, तो जितनी भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स हैं सबका जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल है वो अलग अलग है। जैसे किंगडम एनिमलिया में सबसे पहले नाम आता है स्पॉन्जेस का, स्पॉन्जेस बोले तो पोरीफेरा। तो यहाँ पर जो सेल्स अरेंज होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट स्पॉन्जेस में, अगर हम देखें तो स्पॉन्जेस इज नथिंग बट ए क्लस्टर ऑफ सेल, ये सिर्फ कोशिकाओं का समूह है। अब बात आती है अगर कोशिकाओं का समूह है तो हम इन्हें टिश्यू कह दें, नहीं कह सकते, क्योंकि स्पॉन्जेस में जो क्लस्टर ऑफ सेल है ये सेल्स तो हैं लेकिन ये ऑर्गेनाइज होके एक किसी स्पेसिफिक काम को अंजाम नहीं देती हैं। हर सेल के अपने डिफरेंट फंक्शन हैं, सेल इंडिविजुअल आधार पे काम करती है, इसलिए इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्जेस में यानी पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं वहां थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर भी है, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा भी है, लेकिन ये जो काम का बंटवारा है ये बेहद प्रिमिटिव टाइप का है। कई प्रकार के सेल हैं, जैसे ए और बी, मान लीजिए दो प्रकार के सेल्स हैं, तो ए सेल का अपना काम है और बी सेल का अपना काम है। लेकिन हमने क्यों बोला प्रिमिटिव टाइप, क्योंकि जरूरत पड़ने पर ए सेल बी में तब्दील हो जा रही है और बी सेल ए में तब्दील हो जा रही है, इसलिए हम कहते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बेहद प्रिमिटिव टाइप का है। और शायद ये ही एडवांटेज है कि स्पॉन्जेस जब हम पढ़ते हैं तो इन स्पॉन्जेस में जो रीजनरेशन की पावर है वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। हालांकि रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार एक सेल है इसके अंदर, दैट इज ऑर्कियोसाइट। तो पहली बात हमने पढ़ी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा स्पॉन्जेस में वो सेलुलर ग्रेड का है। सेलुलर ग्रेड का मतलब द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल, लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो प्रिमिटिव टाइप का है, यानी सेल्स आर इंटर कन्वर्टेबल। अब इसमें हमारे पास एक दूसरा फाइलम भी आता है, दैट इज सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा की विशेषता है कि इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, हालांकि वो सीलेंट्रॉन कहलाता है, सीलोम नहीं कहलाता। इनमें क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ सेल है लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनाइज हो गई हैं, यानी मोर कॉम्प्लेक्स हो गई हैं और ग्रुप ऑफ सेल मिल करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देती हैं, इसीलिए यहाँ पर टिश्यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हालांकि लोग बोलते वक्त कह देते हैं कि हाइड्रा में लोकोमोटरी ऑर्गन, लेकिन वो ऑर्गन शब्द इस फाइलम में इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए सीलेंट्रेटा में हम कहते हैं टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो निडेरिया हो चाहे टीनोफोरा हो। तो जाहिर बात है दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, सेलुलर ग्रेड में जो ऑर्गेनिज्म है वो है तो वो भी मल्टीसेलुलर, लेकिन वहां पर जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो सीलेंट्रेटा है यानी निडेरिया और टीनोफोरा, यहाँ सेल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं और ऑर्गेनाइज होकर के वो टिश्यू के फॉर्म में तब्दील हो गई हैं।
इसीलिए यहाँ पर रीजनरेशन तो है लेकिन उतना नहीं है जितना स्पॉन्जेस में है। जैसे स्पॉन्जेस में हम लोग कह रहे थे कि रीजनरेशन के लिए जिम्मेदार जो सेल है उसका नाम मैंने आपको आर्क्योसाइट बताया, वैसे ही जब आप सिलेंटेटा पढ़ते हैं तो वहां पर एक सेल है इंटरस्टिशियल सेल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजनरेशन, लेकिन सर मैक्सिमम रीजनरेशन यहाँ नहीं है। तो अब इससे भी आगे बढ़ते हैं, टिश्यू से आगे जब बढ़ते हैं तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन आता है दैट इज नेम्ड एज एन ऑर्गन लेवल। तो ऑर्गन की डेफिनेशन ही इट्स अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच इज ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जब सेल्स का समूह मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं, लेकिन जब कई सारे टिश्यू मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को अंजाम देते हैं तो उसे ऑर्गन कहते हैं। और ये आपका शुरू हुआ प्लेटी हेलमेंथीज में। प्लेटी हेलमेंथीज यानी फ्लैटवर्म, जब आप प्लेटी हेलमेंथीज पढ़ेंगे तो जाहिर है कि उसमें आपको तीन जानवर जरूर याद रखने होंगे, क्योंकि प्लेटी हेलमेंथीज की जो पहचान है वो तीन जानवरों से ही है, एंड वन इज द प्लेनेरिया, सेकेंड इज द फेशियोला, थर्ड इज द टीमिया। क्या तो आपके पास इस जगह पर ऑर्गन शब्द का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपके जो टिश्यू थे वो ऑर्गेनाइज हो गए, ग्रुप हो गए और एक पर्टिकुलर ऑर्गन का उन्होंने फॉर्मेशन किया और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होने लगा, एडवांस होते चले गए। अब इसके बाद उन्होंने लिखा इन एनिमल्स लाइक एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्क आइकैंड और इंडाकोरिटा ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम। लेकिन इस जगह पर किताब पढ़ने में यही एक डिफरेंस है कि यहां देखिएगा प्लेटी हेलमेंथीज तक की बात तो पूरी की गई, उसके बाद इन्होंने फाइलम में एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का देन इकानोडर्मेटा कॉर्डेटा इनकी बात करनी शुरू कर दी। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे एस्के हेलमेंथीज एक फाइलम है जिसे हम राउंड वर्म के नाम से जानते हैं वो गायब हो गया, जबकि राउंड वर्म भी यही होना चाहिए। यानी प्लेटी हेलमेंथीज के बाद जो हमारा एस्केरिस वाला ग्रुप है राउंड वर्म कह लें या फिर आप इन्हीं को एसके हेलमेंथीज कह लें, तो इस जगह पर भी अगर हम देखें तो एसके हेलमेंथीज भी एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास जहां पर ऑर्गन सिस्टम बन गया, क्योंकि यहां पर क्या किया कई सारे ऑर्गन मिलकर के उन्होंने फंक्शनल सिस्टम बनाया और हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। फिजियोलॉजी से डाइजेसिव सिस्टम कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास चौथा यानी सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल an organ system. The organ system in the different group of animal exhibit the various pattern of complexes. जाहिर आप अलग-अलग जगह पर देखोगे तो अलग-अलग प्रकार के complexes हैं। वो depend करता है कि वो organism है कैसा। तो body organization के नाम पे आप देख पाए कि हमारे पास चार प्रकार के हुए। एक word आया cellular organization, cellular group, say cellular grid, जिसका example था sponges, जहाँ जो division of labor था, वो बेहद primitive type का था। उसके बाद जो दूसरा हमने पढ़ा दैट वाज टिश्यू लेवल, तो टिश्यू लेवल में जो बात कही गई उसका एग्जांपल हुआ करता था सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा में कहा गया टिश्यूज बने सेल्स के बनने से, सिलेंट्रेटा का मतलब हम निडेरिया और टीनोफोरा दोनों समझेंगे। ऑर्गन सिस्टम में टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं जिसका एग्जांपल फ्लैट वर्म यानी प्लेटी हेलमेंथीज था। फिर उसके बाद राउंड वर्म यानी एस्के हेलमेंथीज, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, इन सब जगह पर आपके पास ऑर्गन सिस्टम बन गया, फंक्शनल सिस्टम हो गया। उन सब का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन था और किसी भी फाइलम में आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सेस बढ़ते जाएंगे। अब जैसे अगर आप थोड़ा एग्जांपल देखना चाहें, जैसे आपने नाम दिया था कि हमारे प्लेटी हेलमेंथीज में ऑर्गन है, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें प्लेटी हेलमेंथीज का, तो प्लेटी हेलमेंथीज में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लाइक दिस। उसमें आप कभी देखोगे डाइजेस्टिव ट्यूब तो होगी, लेकिन एक ऐसी ट्यूब होगी जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी। तो ऐसे हम लोग को नाम देते हैं बॉडी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक। जैसे बाजार जाते जब हमें तो एक थैला लेकर अक्सर जाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एक साइड खुला है और एक साइड बंद है, तो इनके पास एक ही ओपनिंग है, इसी के रास्ते ये अंदर आते हैं और इसी के रास्ते खाना बाहर जाता है, तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब। अब ब्लाइंड सैक का मतलब समझा करेंगे कि ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि एक ही ओपनिंग है, उसे आप माउथ कह लो या एनस कह लो। लेकिन अगर आप यहाँ पर और आगे बढ़ें प्लेटी हेलमेंथीज के बाद
एसकेएल में 30 में पढ़े हैं, तो वहां पर आपके पास ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो गई। वहां पे एक सिरा इनका माउथ कहलाता है और दूसरा सिरा इनका एनस कहलाता है। तो आपके पास ये माउथ और एनस दो कंपोनेंट्स पाए गए। तो ऐसी जगह पर जहां पर ये स्थिति पाई जाती है, जहां माउथ और एनस दोनों होता है, उसे हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब यानी बॉडी प्लान भी देखिए अलग अलग हो गए, ऑर्गेनाइजेशन अलग हुआ, बॉडी प्लान अलग हुआ, यही बात पढ़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द प्लेटियल मेंथीज हैज ओनली वन यानी ओनली सिंगल ओपनिंग एंड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज अ माउथ और एनस बोथ। जाहिर बात है जब इसी से खाना खाएंगे और इसी से आप अनडाइजेस्टेड फूड निकालेंगे, एनस भी ही कहलाएगा, इसलिए ये डाइजेस्टिव ट्यूब इनकम्प्लीट कहलाती है। मैंने यही बात आपको बता दी, जहां डाइजेस्टिव ट्यूब इनकम्प्लीट होगी उसे हम ब्लाइंड सैक कहेंगे। लेकिन और जगह अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब इज हैज एंड टू ओपनिंग माउथ एंड एनस टू डिफरेंट ओपनिंग लुक हियर दिस ओपनिंग एंड दिस ओपनिंग। तो ये एडवांस हो गया। तो ये वाला जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, ये फिर वहीं से मिला जहां से ऑर्गन सिस्टम आया। जब ऑर्गन सिस्टम बना तो कंप्लीट बना, और जब ऑर्गन सिस्टम नहीं था, सिर्फ ऑर्गन था, तो इनकम्प्लीट था। ऐसे आप सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें दो प्रकार का, एक कहलाता ओपन टाइप और एक कहलाता क्लोज टाइप। अब इसके अंदर की बात जो भी लिखी हुई, लेकिन ओपन और क्लोज में एक बेहद इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसको अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। सर ओपन टाइप में कैपिलरीज यानी ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है, और क्लोज टाइप में ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। सर एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, मैं पढ़ देता हूं। सर ओपन टाइप उन्हें कहते हैं जहां ब्लड इज पंप बाय हार्ट, जाहिर है हार्ट ही ब्लड पंप करता है, लेकिन सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथरिंग टू इट। एक्चुअली ये अपना ब्लड पंप तो हार्ट से ही करते हैं, वेसल्स में ही करते हैं, लेकिन वो वेसल्स आगे चल करके बड़े बड़े साइनसेस में खुल जाते हैं। इस वजह से जो हमारी बॉडी सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से नहा रही होती हैं जो भी वहां पर ब्लड या जो बॉडी फ्लूड है। लेकिन जो क्लोज टाइप होता है, यहाँ हार्ट ब्लड पंप करती तो है, लेकिन वेसल्स में फिर फर्दर वेसल फिर फर्दर वेसल कोई ऐसी जगह नहीं आती जहां पर आपके पास साइनस होता हो। हाँ, वेसल्स का डायमीटर बदलता रहता है, भाई एओर्टा कहा, फिर आर्टरी कहा, आर्टरियोल कहा, लेकिन सर यहाँ पर कैपिलरीज जरूर होती है। तो जो क्लोज टाइप होती हैं ब्लड सर्कुलेशन, वहां पे जो बॉडी सेल्स हैं उनके बगल से हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड आपके अंदर है यहाँ पर, यहाँ से चीजें डिफ्यूज होके इसके अंदर जाती हैं और इसकी डिफ्यूज होके इसके अंदर आती है। जबकि जो ओपन टाइप है, यहाँ बॉडी सेल्स चारों तरफ से ब्लड से ही घिरी रहती है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हमने देखा कि जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके अलग अलग है, यानी चार प्रकार का है, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। लेकिन वही ऑर्गन सिस्टम देखा गया अलग अलग जगह पे कॉम्प्लेक्स होता गया, जैसे डाइजेस्टिव ट्यूब कहीं पर इनकम्प्लीट है, कहीं कम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम देखा गया कहीं ओपन और कहीं क्लोज। तो ये हमारा पहला टॉपिक था इस जगह पे, जो आपके हमने इस चैप्टर नंबर 4 की पहले पार्ट से लिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ये कोशिश है एक नए तरीके से पढ़ाने की, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं या ऐसी जगह से आते हैं जहाँ सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जाता है या बहुत कम पढ़ाया जाता है, ऐसे बच्चे को जब एनसीईआरटी नाम की टेक्स्ट बुक दी जाती है तो उसको लगता है कि तो बहुत बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब है जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी उन लाइनों तक हम पहुँच पाएँ, उन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ तो बेहतर होगा। अदरवाइज क्लासेस अपनी जगह है, मैं अपने ऐप के थ्रू पढ़ाता हूँ वो अपनी जगह है, लेकिन ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोशिश है उन बच्चों के लिए, उन रूरल एरिया के बच्चों के लिए जो इंग्लिश को लेकर हवा बनाए हुए हैं, एनसीईआरटी को लेकर उनके अंदर बहुत बड़ा भ्रम है कि हम ये चीज़ें समझ नहीं सकते। खैर, हमारी कोशिश कैसी लगी है इस कोशिश को कमेंट में आप ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम इनोवेशन कर पाते हैं। और आई विल ट्राई अगेन फॉर द मोर बेटर वीडियोस, यस, लेकिन कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम फिर अपने आप को चेंज कर पाते हैं और नए तरीके से आपके सामने पेश हो पाते हैं। यस, गुड लक।